के थोड़े हम बात करेंगे वीवो T1 5G जो डिवाइस, इस डिवाइस के लिए एक न्यू अपडेट को ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। उस अपडेट का न्यू वर्जन क्या देखने को मिलता है, अपडेट की साइज क्या देखने को मिलती है, अपडेट के साथ में चेंजेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ काफी सारे यूजर्स वेट करें कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 13 और फ्रंट टच ओएस 13 का ऑफिशियल अपडेट को कब तक रोल आउट किया जाएगा, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं वीवो T1 5G डिवाइस के पहले न्यू अपडेट के बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहां पर आपको आपके डिवाइस में एक न्यू अपडेट शो होगा जो कि नवंबर मंथ का देखने को मिलेगा। पहले आपको मैं इसका वर्जन बता देता हूं, आपको लास्ट में चेक करना है। A_12.0.11.10 का वर्जन देखने को मिलता है। तो अगर आपके डिवाइस में अपडेट देखने को मिल गया है तो आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट शो नहीं हो रहा है तो आपको विदिन 5 डे का वेट करना, उसके अंदर अंदर ये अपडेट भी आपको आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर साइज के बारे में बात करें तो 302 MB के आसपास ये अपडेट देखने को मिला है और सिस्टम में आपको नवंबर मंथ के लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज को प्रोवाइड किया गया है। और वीवो T1 5G डिवाइस के यूजर्स को कैमरा सेक्शन में आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा था, उस इशू को भी यहाँ पर इस अपडेट के साथ में सोल्व कर दिया गया है वीवो की ओर से। और ऐप सेक्शन में भी आपको फिक्स द वेयर सम एप्स ओकेशनली रिसीव मैसेज व्हेन रनिंग इन द बैकग्राउंड, आपको यहाँ पर भी आपको फिक्स किया गया है रनिंग बैकग्राउंड में एप्स को, यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी उसे भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि काफी सारे यूजर्स वेट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल अपडेट को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपके डिवाइस में जो ट्रायल वर्जन बीटा रोल आउट किया गया था उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहे थे, तो यहाँ पर वो अपडेट आपको हटा दिया गया है, मतलब आपको शो नहीं होगा ट्रायल सेक्शन में। अब यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 ऑफिशियल अपडेट का वेट करना होगा, तो वो अपडेट आपको दिसंबर के एंड वीक तक प्रोवाइड किया जाएगा, तब तक लिए आपको इस अपडेट को अपडेट करके रखना होगा। तो यार इस छोटी वीडियो में यही था, और इस छोटी वीडियो को लाइक कर देना, अधिक न्यूज़ के लिए मैं टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता हूँ तब तक, ले बाय, टेक केयर।